हाय, गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। हम फिर से चले आए हैं आज एक नए टॉपिक को लेकर आप सबके सामने। लेकिन उससे पहले आप सबको रथ यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबको अ वेरी हैप्पी, फनफुल एंड प्रॉस्परस हैप्पी रथ यात्रा हम सबके तरफ से। तो मेरे फ्रेंड्स, आप सब लोग तो आज जरूर बहुत मौज मस्ती कर रहे होंगे, करना भी चाहिए। रथ यात्रा है ही ऐसा फेस्टिवल, स्पेशली पापड़ बादाम, ये तो मस्त 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 है। आज हम एक्चुअली एक स्पेशल, एक लेडी स्पेशल टॉपिक को लेकर आए हैं। लेकिन सुन सभी सकते हैं क्योंकि नेचुरल प्रॉब्लम है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जो लोग हमारे ऑलरेडी सब्सक्राइबर है, उन लोगों को बहुत बहुत थैंक्स हमारे तरफ से। और आप लोगों ने, जो लोग आज पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हो, उनके लिए एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पहले से लास्ट तक प्लीज देखो। और अगर देखने के बाद आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा बकबक ना करके शो शुरू करते हैं। आज हम जिस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बात करने में आई हूँ, वो स्पेशली एक लीडिंग स्पेशल टॉपिक है, पर जैसे लोग को भी जानकारी रख लेना चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स लोग हैं तो जो लोग हमको बोलते रहते हैं, पूछते रहते हैं कि हमको जब प्रॉब्लम होता है तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। यस माई फ्रेंड्स, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे दैट विच फूड्स यू शुड टेक और यू शुड अवॉइड ड्यूरिंग योर पीरियड्स। अब देखो भाई, पीरियड वैसे तो एक नेचुरल प्रॉब्लम है, ये हर लड़की को होता है, चाहे वो दुनिया भर में हो, चाहे गोरी हो, काली हो, लंबी हो, नाटी हो, कुछ भी हो। लेकिन ऑब्वियसली ड्यूरिंग पीरियड्स दर्द, तो कभी रेगुलर एनर्जी, तो कभी खाने की तरफ जीना चाहना, खाना नहीं चाहना, और भूख न लगना, और अनकम्फर्टेबल फील होना, ये तो एक नॉर्मल सा बात है। लेकिन क्योंकि ये हॉर्मोनल रिएक्शन वजह से होता है, तो इसको तो दिस इनएविटेबल होता है, आप उसको रोक नहीं पाओगे। अब सवाल ये है कि ड्यूरिंग पीरियड्स आप कौन कौन सा खाना खाओगे और किस तरह का खाना नहीं खाओगे, क्योंकि ये एक ऐसा हार्मोनल साइकिल है जिसका हेल्दी रहना, हेल्दी होना बहुत जरूरी है। और ये जितना हेल्दी होता है उतना आपकी सेहत अच्छी होती है और आपका इनर ब्यूटी एनहांस्ड होता है। सबसे पहले तो बोल दूं कि आप लोगों में जो लड़कियां हैं, जो औरतें हरी भरी ताजी सब्जियों से को देख कर ही ऐसा करती हैं, आप सबको एक ट्राई जरूर देंगे। भाई खाओ या ना खाओ, पसंद करो या ना करो, वैसे तो रोज रखना चाहिए, लेकिन अगर तुम अपने इन चार पांच दिनों में अगर ज्यादा करके ग्रीन वेजिटेबल्स लेते हो, दैट इज वेरी गुड फॉर योर हेल्दी क्लियरेंस एज वेल एज आपके हेल्दी हेल्थ के लिए भी बहुत फायदेमंद होते हैं। इसके अलावा आप बनाना खा सकते हो, जो आपको एक्स्ट्रा एडिशनल एनर्जी और एडिशनल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। कई लड़कियां ये पूछती रहती हैं कि क्या पीरियड्स में चॉकलेट खाना अच्छी बात है, मैं चॉकलेट खा भी सकती हूँ या नहीं भी खा सकती हूँ। तो भाई, आप सबके लिए बहुत बढ़िया खुशखबरी है कि रिसर्च ने प्रूव कर दिया है कि चॉकलेट्स अमेजिंगली एनर्जाइजर का काम करते हैं ड्यूरिंग योर मेंस्ट्रुअल टाइम। इसके अलावा आप लोग जूसेस ले सकते हैं। ऑब्वियसली मैं बोलूँगी सिट्रिक फ्रूट जूसेस थोड़ा कम ही लो, उसके जगह आप लोग पॉमग्रेनेट जूस बोलो या आप एप्पल जूस, जितने सिट्रिक जूस का जो मतलब सिट्रिक एसिड का क्वांटिटी जितनी कम होता है, आप गुआवा खा सकते हो, इट्स वेरी गुड, जो बोन्स को बिल्डअप करते हैं। इसके अलावा आप चीज़, पनीर, फिर आपका जो फैटी फूड जो होता है, मतलब जिसमें ओमेगा फैट वाले जो फूड्स होते हैं, नट्स, आप ये लोग ही खा सकते हो, ये आपको अच्छे फायदे देते हैं ड्यूरिंग योर प्रॉब्लमेटिक डेज। अब सवाल ये है, कौन से खाने हैं जिन खाने को हम नहीं खाएंगे? तो मेरी मान लो, सबसे पहले तो बोले कैफीन युक्त खाने बिल्कुल भी मत खाओ। कैफीन युक्त खानों में जैसे कॉफी, एक्सेसिव चाय, ये ड्यूरिंग योर पीरियोडिकल साइकिल प्लीज
ज्यादा इनटेक अवॉइड करना, क्योंकि वैसे ही तो ये ज्यादा लेने से सेहत में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन अगर आप इस पर्टिकुलर टाइमिंग को ज्यादा अमाउंट में लेते हैं तो आपके प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं ना कि घटते हैं। इसके अलावा आप कुछ ऐसे फूड्स हैं जिनको आप कोशिश करो अवॉइड करना, जैसे मान लो आपका लेमन जूस या आपका आंवले का जूस, खट्टा कुछ भी हो तो उन चीज़ों से थोड़े अपने पीरियोडिकल पीरियड में आप मत खाओ तो ही अच्छा है। अगर इरेगुलर है उस टाइम अगर आप लेते हो तो वो अलग बात है होने से पहले, लेकिन होते वक्त ड्यूरिंग द टाइम आप खट्टे जाते खाने से थोड़ा दूर रहें, दैट विल बी बेटर फॉर यू। इसके अलावा कॉर्न टाइप के खाने, फिर एक्सेस फैटी जंक्स जो होते हैं, एक्सेस फैटी ऑयली ग्रीजी जंक्स जो होते हैं, जैसे मान लो आप रस्ते से चावल खरीद लिए, उसमें बहुत ऑयल होता है, मुगलाई ले लिए बहुत ज़्यादा होता है, तो इनसे थोड़ा खुद को दूर रखो, इट विल बी मच बेटर फॉर यू ड्यूरिंग योर पीरियोडिकल साइकिल। क्योंकि वैसे भी रास्ते के खाने में तो भाई पॉल्यूशन बड़ा ही होता है, सामने में तल रहे हैं, सामने से बस जा रही है तो बस अपना सारा धूल पीछे से खा को दे देती है, लेकिन फिर भी हम लोग आराम से खा लेते हैं, बच भी जाता है कुछ कुछ, हमको लगता है हम कितने भूखे थे अब भूख मिट गई, लेकिन इतना हमको नहीं पता कि इस भूख मिटाने के चक्कर में हमको कितने स्ट्रगल करने पड़ते हैं अच्छी सेहत पाने के लिए। सो आपसे उम्मीद है आप लोग अपने उन प्रॉब्लमैटिक डेज में क्या खाएंगी क्या नहीं खाएंगी, अब आपको और कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, आप उस मेरे दिए गए टिप्स के मुताबिक आप अपना खाना डाइट मेंटेन करोगे। लेकिन हाँ एक बात हम जरूर बोलेंगे कि प्लीज एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लेना, किसी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके फिर ही अपना डाइट प्लान डिसाइड करना ड्यूरिंग योर प्रॉब्लमैटिक डेज। उम्मीद है आप सबको मेरे दिए गए टिप्स सजेशंस अच्छे लगे हो, और जिन लोगों ने आज पहली बार हमारे वीडियोस को देखा है तो उनको तो सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया हमको पूरा देखने के लिए। इसके अलावा अगर आपको देख के अच्छा लगा हो और अगर मेरे टिप्स आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज टू सब्सक्राइब आवर चैनल, सब्सक्राइब करके पास में दिया बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। और तुम लोगों को किन चीज़ों के ऊपर वीडियोस चाहिए या किस टॉपिक के ऊपर आपको और चाहते हैं कि आपको वीडियो बना के दें, तो वो ख्वाहिशें भी आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता ही दो, आपके बताते ही हम श्योर कोशिश करेंगे जल्दी उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो आपके सामने लाएंगे। तब तक के लिए हमको इजाजत दीजिए, आई वॉन्स अगेन अ वेरी हैप्पी रथ यात्रा, बाय बाय।